अच्छी बहुत अच्छी है, अच्छी है, मजा आया, एक्शन मजा है, एक्शन बहुत अच्छा है, एक्शन अच्छा है। उपेंद्र जो हीरो है उपेंद्र एकदम मस्त एक्टिंग, एक्टिंग अच्छा था, बहुत अच्छा बहुत। ओके, किच्चा सुदीप भी है पिक्चर में, थोड़ा थोड़ा रोल है लेकिन बहुत अच्छा है, रोल कम है किच्चा का, कम है। ओके, शायद नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिला है। अच्छा, पार्ट टू भी आने वाला है, पार्ट टू भी आने वाला है सर। ओके, कहानी क्या दिखाया है? कहानी सर इंडिपेंडेंस, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है और थोड़ा शुरू में समझ नहीं आता, अच्छा, लेकिन बेस्ट है। बाद में पिक्चर समझ में आती है। एक्शन अच्छी है, एक्शन अच्छी, देखना चाहिए लोगों ने, बहुत देखना चाहिए। पैसा वसूल है, पैसा वसूल। कैसे लगे आपको कब्जा? कब्जा जो है इस पे हम लोग कमेंट नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि आज़ादी से पहले के हैं ये सब किस्से गजीदे बहुत हैं इसके जी, बहुत सारे स्टोरियाँ हैं इस तरह के जी जी जी। और इसमें इन्होंने ऐसा कुछ कर नहीं दिखाया कि खाली गोलियाँ चल रही है, ठाए टोए यही है और कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं, डायलॉग्स कुछ नहीं, एक्टिंग करके दिखाया कि नहीं। इंडियन रियल स्टार उपेंद्र ने, उपेंद्र ने कुछ भी नहीं किया, ऐसे कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी एक्टर के ऊपर कोई कंप्लेंट। हाँ, अरे बाप रे, किच्चा सुदीप है वहाँ के बड़े सुपरस्टार है, बिल्कुल है, स्टार है, और सिर्फ बिजनेस के लिए आए बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, ना, ना अपना तवा सेक लिया उन्होंने, बाकी ऐसे पिक्चरें तो काफ़ी बनी हुई है और अच्छी बनी हुई है, शहीद के लिए, कुर्बानियों के लिए, फिर फिसाद, हिंदू मुस्लिम, करेक्ट, ये काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत देखा हुआ है, अब इसमें ऐसी कोई खास चीज नहीं है, मजा नहीं आया। देखिए, मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब, कैसे लगे आपको? इंडियन रियल स्टार उपेंद्र है, उपेंद्र और किच्चा सुदीप, बादशाह किच्चा सुदीप, यस। लेकिन लास्ट में एक और एक सुपरस्टार है, डॉक्टर चंद्र ऐसा कुछ उनका नाम है, लेकिन फाड़ डाला भाई किच्चा सर की एक्टिंग। मेरे को कैसा लगा ना जब स्टार्टिंग हुई ना, तो मेरे को लगा अभी पिक्चर में पूरा रहेंगे, क्योंकि यार वो लास्ट दबंग 3 और फिर विक्रांत रोना में दिखे थे ना, बराबर, लेकिन वो दिखने के बाद में फिर पूरी उपेंद्र सर पे फिल्म है। इंटरवल तक का मैं सोचा अभी आएगा, अभी किच्चा सुदीप सर का कुछ होगा, लेकिन कुछ ऐसा दिया नहीं, लास्ट में उनको उठा के लेके आ गए, मतलब ओपनिंग भी उनसे करा और एंडिंग भी उनसे करा दी। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो उसके अंदर वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस श्रिया सारन, जो दृश्यम के बाद अभी देखने को मिली, उनका काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या बहुत स्लो काम है मूवी, एकदम हाई एक्सपेक्टेशन। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि KGF 2, अरे उसकी बात अलग थी यार, वो यश है, इनके भी बातें अलग है, ये तो रियल सुपरस्टार उपेंद्र और फिर बादशाह किच्चा सुदीप, जो टैगलाइन मिला यार उन पे जमता है, लेकिन काम देना चाहिए था यार, मतलब किच्चा सुदीप को आप रख रहे हो स्टार्ट से लेके फिर सीधा एंड में लेके आ रहे हो, तो मज़ा नहीं आया ना वहाँ पे। और एक बात तो ये है कि वहाँ पे हम लोग को मतलब ऐसा लगा था कि आइटम सॉन्ग नहीं है, फिर मतलब वो एक दिल पे जैसे झटका आता है कि अरे बाप रे आ गया, आया तो सही लेकिन वो आइटम सॉन्ग चल रहा है और उसके बीच में वो लेके जा ढिचका 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 चालू करते, पीछे से लड़की भाग गए, बोले वो पागल हो गया भाग जा, बोले मैं एक जोक मजाक कर रहा हूँ, तो वहाँ वाले मेरे को उड़ा दे लेंगे। ओके ओके, ओवरऑल देखो मूवी वन टाइम देखने के लायक है। अगर आप ऐसा सोचोगे हाई एक्सप्रेशन तो इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो स्लो है, इतना कुछ मज़ा नहीं, लेकिन उसमें थोड़ी स्टोरी देखने को मिली है। सेकंड हाफ में बैठा पॉपकॉर्न लेके तो ज़्यादा मेरे को गोलियाँ दिख रही है, 2-3 पॉपकॉर्न मैंने भी उड़ा दिया, बोला भाई वो गोली उड़ा रहे मैं पॉपकॉर्न तो उड़ा दूँ। ओवरऑल देखो मेरे को काम तो बहुत अच्छा लगा इसमें, बहुत मजेदार काम लगा। अब उम्मीद करते हैं कि भाई जैसा, अरे यहाँ पे नवाबशाह भी हमको देखने को मिले थे जो गॉडफादर में एंडिंग में आए थे, यहाँ पे भी आए वही अपना स्वैग दिखा रहे हो, फिर उनको भी टपका डाले यहाँ पे। ओवरऑल मूवी तो बहुत अच्छी है, अब देखते हैं कि ये कब्जा कैसा बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करती है। लग रहा है बॉक्स ऑफिस पे कब्जा कर पाए, होना तो चाहिए, क्योंकि देखो अभी बॉलीवुड में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं अभी, मतलब लास्ट 2 जोड़ी में मकार भी कुछ बड़ा धमाका नहीं हो रहा है, तो अभी ये चलना चाहिए, चाहे साउथ हो या बॉलीवुड हो, धमाकेदार तो होना ही चाहिए भाई। ओके, कैसे चलेगा? 5 में से कितने मिलेंगे? देखो मैं मूवी को अगर स्टार दूँ ना तो 3 स्टार्स मूवी को, क्योंकि मुझे इतनी पसंद नहीं आई हॉनेस्ट रिव्यू के लिए हिसाब से, मैं अगर 5 दूँ फिर मतलब समझ में नहीं आवे ना। हाँ, लेकिन मैं अगर उपेंद्र सर का काम देखूँ और किच्चा सुदीप का, भले से वो स्टार्टिंग का 20 मिनट और एंडिंग का 20 मिनट मिला के 40 मिनट का जो काम है ना, 5 out of 5 भाई, दोनों का स्वैग बहुत भारी लगा। और वो छोटा सा खाली 10 मिनट का जो स्वैग था ना, डॉक्टर उपेंद्र जो उनका नाम है, सॉरी मेरे को उनका नाम पता नहीं, मैं उनका भी बहुत अच्छा था, उनके लिए भी 5 स्टार। और अपनी श्रेया सरन के लिए तो क्या बोलूँ यार, शायरी आ रही है, लेकिन अगली फिल्म में बोलूँगा, अभी नहीं। कब्जा स्टारिंग
इंडियन रियल स्टार उपेंद्र है, देखिए आपने कैसे हाँ, देखे आप? अभी मैं कुछ ही टाइम फर्स्ट टाइम पहले देख के आया हूँ, मुझे ठीक है एज अ फर्स्ट टाइम व्यूअर मैंने देखी है केजीएफ का, मैंने सही बोल रहा हूँ आपको, केजीएफ फर्स्ट ना सेकंड पार्ट मैंने देखा हुआ है, तो एज अ फर्स्ट टाइम व्यूअर मेरे लिए ठीक है क्योंकि एक्शन बहुत है इसके अंदर, एज नो साउथ इंडस्ट्री कन्नाड़ा तमिल इंडस्ट्री वहाँ पे एक्शन कम्पेयर टू बॉलीवुड बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ पे रोमांटिक मूवीज रहती है, वहाँ पे एक्शन पे ज़्यादा वो लोग फोकस करते हैं, थोड़ा स्टोरी ज़्यादा थोड़ा होना चाहिए था, एक्शन को ठीक है उनका वो ये है पोर्ट है, उनका एक्शन उनका पोर्ट है, एज अ पोर्ट है तो वो दिखाएंगे जो जिसके लिए मास ऑडियंस आती है, हाँ ज़्यादा मास ऑडियंस उसी के लिए आती है शायद, उसके हिसाब से डाला होगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मास ऑडियंस को एंटरटेनमेंट करना है तो इस हिसाब से उन्होंने डाला, वो कोई इशू नहीं है। डायलॉग्स कैसे है, डायलॉग कैसे है इनकी? चलो एक्शन तो एक अलग ऐसे मैंने मिला कि मैंने सो जो जिन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का काम किया उनके ही मैं उनको ही मैं जानता हूँ, सुदीप किच्चा सुदीप हाँ उनको ही मैं जानता हूँ, बाकी स्टार को नहीं जानता हूँ, पर वो काफी बड़े स्टार हो गए अपने इंडस्ट्री में, जैसे अपने अभिषेक बच्चन धर्मेंद्र जी है जितेंद्र जी है काफी है, तो वो भी बड़े स्टार है, उनका भी एक्टिंग अच्छा ही है, इतना भी नहीं बोलूंगा पर ठीक है एक्टिंग, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला क्योंकि वो काफी बड़े स्टार है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, ना कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, तो अच्छा मेरे हिसाब से जब नॉर्मल ऑडियंस है उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, काम अच्छा किया है थोड़ा स्टोरी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए था कम्पेयर टू एक्शन, पर उनका फोल्ट है वो। हिंदी दर्शक अगर देखने आते हैं तो पैसा वसूल होगा उनका? उन्होंने ट्रेलर जिन्होंने देखा है जिसको 2.5 या 2.9 मिलियन व्यूज मिला है ट्रेलर को, तो ऑब्वियसली जो मुंबई के दर्शक है उनको थोड़ा ये रहेगा, थोड़ा अट्रैक्शन रहेगा क्या है, क्योंकि उन्होंने ट्रेलर आउट ऑफ मतलब बहुत अच्छा ट्रेलर बनाया उन्होंने, ट्रेलर अच्छा बहुत माइंड ब्लोइंग ट्रेलर बनाया उन्होंने, तो दो तीन हफ्ते तक आएंगे पब्लिक देखने के लिए, जैसे जैसे ट्रेलर का क्रेज है उसी तरह पिक्चर का क्रेज रहेगा, जैसे जैसे लोग देख के जाएंगे तो थोड़ा क्रेज कम हो जाएगा, पर दो तीन हफ्ते तो मुझे लगता है अच्छा चलेगी, अच्छा चलेगी, पिकअप करेगी, अच्छा आपको भी पसंद आई? हाँ पसंद आई क्योंकि मैं केजीएफ का फैन नहीं हूँ, मैंने केजीएफ देखा है ना फर्स्ट पार्ट देखा है ना सेकंड पार्ट देखा है, ऐसे फिल्म मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जो डार्क मूवी है, एकदम डार्क बैकग्राउंड है उसका और बीजीएम बहुत लाउड है, बीजीएम ज्यादा लाउड बहुत लाउड है क्या करेंगे अभी उनका फोटो है तो देखना पड़ेगा ना, वैसे मूवी जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो कुछ अच्छी मूवी निकल नहीं रही है तो पब्लिक इसको ही देखने जाएंगे ना, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन तो अभी ये पिक्चर देखने जाएंगे, अभी एक और मूवी आ रही है दशहरा और एक मूवी आ रही है वो भी उसका भी ट्रेलर बहुत बढ़िया है तो शायद उसके लिए भी और पब्लिक आ जाए, बोला है अपने आ जाएगी बोला के लिए पब्लिक आ जाए शायद। ओके सर थैंक यू फॉर ऑनेस्ट। ओके थैंक यू सर। अच्छी थी भाई पिक्चर, अच्छी लगी पक्का? आपको कैसी लगी? उसने मूवी देखी नहीं। अच्छा आपको कैसी लगी? अच्छी थी काफी ठीक ठाक। कहानी हाँ एक्शन कहानी कैसे थी? कहानी क्या बोलूं, देखा ही नहीं हमने मूवी, कहानी नहीं समझ में आई हमने मूवी, एक्शन ठीक था? अरे अच्छा था, सच में अच्छा था, सिर्फ केजीएफ जैसे था, केजीएफ जैसे लग रहा था थोड़ा थोड़ा। हाँ ओके, पब्लिक को अपील कर पाएगी, मतलब पैसा वसूल होएगा? पैसा वसूल होगा उनसे पूछो, नहीं होगा हमने तो देखी नहीं, हमने ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, टाइम पास करके निकले, टाइम पास ही कर रहे थे सच में, हम लोग को बहुत बोरिंग लगा था। अच्छा केजीएफ का फुल कॉपी किया है बस, केजीएफ का कॉपी। हाँ।